आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। महाराज की बंधु आचार्य कुंद स्वामी की वह गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 2000 वर्ष पहले उन्होंने रचना की थी, लेकिन वह आज के परिवेश में शायद जितनी महत्वपूर्ण हमारी युवा पीढ़ी स्टूडेंट लाइफ से गुजरने वाले विभिन्न प्रोफेशनल में अपनी सेवाएं देने वाले ऐसे लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज डिप्रेशन में एक व्यंग्य करता हूं, अगर डिप्रेशन नहीं है तो युवा युवती बनने का मजा नहीं है, ऐसा है नहीं, लेकिन आज की जीवन शैली की बात कर रहा हूं। और वह गाथा है, जो जान दियर हंथ दबत गुणत पज्यतेयम सो जान दिया पाणम मोह खल जादत सलयम। गॉड परमात्मा ईश्वर अदृश्य शक्ति पता नहीं कितने नाम से उन्हें पुकारा जाता है, जो अरहंत को परमात्मा को सत्य से साक्षात्कार जिन्होंने किया है, अपने आत्मवैभव को अपने आप में प्राप्त किया, ऐसे उन अरहंत परमेष्टि की क्या विशेषता है जो अरहंत को द्रव्य से जानता है, गुण से जानता है, पर्याय से जानता है। यद्यपि ये शब्द दार्शनिक हैं, लेकिन दार्शनिक होने के बाद द्रव्य क्या है ये हमारी आत्मा जीव द्रव्य, गुण क्या है अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर, पर्याय क्या है ये आपकी मनुष्य पर्याय। तो जो परमात्मा को द्रव्य से जानता है, गुणों से जानता है और वह जानता है पर्याय से, चरम सहीदात किंचुन्यूसत पर्याय, ऐसे गॉड से परमात्मा से अरंत से परिचय जिसका हो जाता है उसका क्षण भर में मोह नष्ट हो जाता है। मोह माने अज्ञान, मोह माने राग धारा, मोह माने संक्लेश परिणाम, मोह माने जीवन की समस्याएं, मोह माने नकारात्मक सोच, मोह माने हिंसात्मक सोच, मोह माने ईर्षा द्वेष का जीवन और मोह की पराकाष्ठा का नाम है हार्ट अटैक की बीमारी।
उस मोह की पराकाष्ठा का नाम है कैंसर की बीमारी। उस मोह का बढ़ता हुआ क्रेज है डायबिटीज, लकवा, पथरी, वर्तमान में बीमारियों के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं मेडिकल साइंस के चैनल से आपको बताना चाह रहा हूँ। इसी दिल्ली में कुशल डॉक्टर हैं और वह कहता है अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए, अपनी जीवन शैली बदलिए। आज जो तनावों की, आज जो असीम आकांक्षाएं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये ईर्ष्या देश, दार्शनिक शब्दों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जितने पाप में रुचि बढ़ती जाएगी, कषायें बढ़ती जाएंगी, उतने ही नर्सिंग होम, अपोलो हॉस्पिटल में जाने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये बोल रहा हूँ मेडिकल साइंस के चैनल से। बंदो, आप सब प्रबुद्ध हैं, अभी तक धारणा ये रही क्या, गॉड 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 गॉड, टेम्पल 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 टेम्पल, सामने थाली रखी है, उसे छोड़ के परमार्थ स्वर्ग मोक्ष की बात करना समझ में नहीं आता है। ये बैकवर्ल्ड पहली शताब्दी के लोग ही जी रहे हैं, ये भारत की राजधानी दिल्ली है, 21वीं शताब्दी में आप जी रहे हैं। हाँ, मुझे भी मालूम है आप राजधानी, भारत की राजधानी में रह रहे हैं, इसलिए आपको न शुद्ध वायु मिल रही है और न आपको शुद्ध पानी मिल रहा है, ये है आपकी भारत की राजधानी की विशेषता। और प्रदूषण में दिल्ली में क्या, दिल्ली ने क्या स्थान प्राप्त किया है, भारत ने क्या स्थान प्राप्त किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से आप ज़्यादा परिचित हैं। मैं एक बात कहता रहता हूँ, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और वह कहता हूँ पुराने ज़माने में इन टेम्पल की, इन मंदिरों की, इन धार्मिक आयतनों की, इन साधु संतों की, इस जनवाणी की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले इतने डिप्रेशन, इतने तलाक, इतनी बीमारियां, इतनी समस्याएं लोगों के जीवन में नहीं थी। ये मंदिर का शिलान्यास, ये बहुत बड़ी जीवन की शांति का केंद्र है, ये परमात्मा का घर, एक पशु पक्षी भी अपना घर बनाता है और एक मानव भी अपना घर, आजकल तो फ्लैट की बात किया करो, द्वारकापुरी बैठे आप कहाँ पुराने ज़माने की बात करते रहते हो, समझ में नहीं आता। ये युवाओं की जिज्ञासा हो सकती, एक मनुष्य तो फ्लैट बनाता है, अपार्टमेंट में रहता है, कोठी में, मकान आदि में रहता है, लेकिन इस मानव की विशेषता है जहाँ वह अपना रहने का निवास बनाता है, उस कॉलोनी में परमात्मा का फ्लैट भी बनाता है, परमात्मा का अपार्टमेंट भी बनाता है, परमात्मा का घर भी बनाता है। यही तो मनुष्य में और पशु में अंतर है। चलिए ले चलता हूँ आपको मेडिकल साइंस के चैनल पे। इन मंदिरों का क्या महत्व है, पहले महात्मा गांधी की बात को आगे बढ़ाऊँ। महात्मा गांधी के साथ एक बहुत कुशल एडवोकेट, उन्होंने कहा बापू क्या गॉड प्रेयर गॉड प्रेयर गॉड प्रेयर, अरे जो टाइम गॉड प्रेयर में देते हो, अगर फाइल में टाइम दो तो ज़्यादा सेवाएं आपकी ली जाएंगी और पब्लिक को ज़्यादा लाभ होगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं तुमने सलाह बहुत अच्छी दी और फ्री की सलाह दी, आज दिल्ली का कोई वकील है पहले लिफाफा रखो, बाद में बात करेंगे, बात बसानी है, तुम काम निकाल दे जाओ, 9-2-11 हो जाओ। बंधुओ, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिन्होंने भगवान महावीर के उस अहिंसा के बल पर इसे कलयुग में बताया, भगवान महावीर की अहिंसा के बल से 25 अरब आबादी वाले को कैसे आजाद कराया, आज पूरे विश्व में रिसर्च चल रही है।
एक और सुभाष चंद्र बोस थे, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, और एक महात्मा गांधी थे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे हम अहिंसा के बल पर, शांति के बल पर, भगवान महावीर की अहिंसा के बल पर देश और राष्ट्र को आजाद रखे रहेंगे। और क्या दिखाया, ये सब आपको ज्ञात है। भरत और बाहुबली का युद्ध आप सबने सुना होगा, और वह भरत बाहुबली के जितने भी मंत्रिमंडल में उनकी जो पार्लियामेंट थी, अरे तो दोनों चरम शरीरीय मोक्ष जाने वाले हैं, ये बेचारे सैनिक जीवन से हाथ धोंगे। इसलिए अहिंसा युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध, ये सब कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छे से जानते हैं। और उसी अहिंसक युद्ध का सहारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लेके और भगवान महावीर की अहिंसा को आज के परिवेश में दिखाया कि अहिंसा के बल पर। मैं कई बार कहता हूँ, यहाँ राजनीति में रहने वाले लोग होंगे, राजनीति में बिना झूठ के काम नहीं चलता है, लेकिन आपने महात्मा गांधी की जीवन डायरी पढ़ी होगी, उन्होंने लिखा है, मैंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा, उसके बाद अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक एडवोकेट राजनीति में रह कर के और सत्य के बल पर देश को आज़ाद करा दिया, शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन बात सही है, आप भी जानते हैं। वकील साहब से बापू कहते हैं, भैया ऐसा करो वकील साहब, आज से भोजन बंद कर दो, क्योंकि भोजन करने में टाइम लगता है आपको, और जो टाइम भोजन करने में लगाते हो, अगर वह टाइम फाइल देखने में लगाओ तो ज़्यादा काम होगा। बापू आप कैसी बात करते हैं, क्या बिना भोजन के दिमाग काम करेगा, सही काम करेगा? महात्मा गांधी कहते हैं, जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह से मानसिक शांति के लिए गॉड प्रेयर, परमात्मा की भक्ति, पंच परमेष्ठी की भक्ति माध्यम कार्ड बनती। इन मंदिरों का महत्व है, ये मंदिर केवल रूढ़ी परंपरा नहीं है। एक प्रसंग आपने कई बार सुना होगा, मैं यहाँ काफ़ी नए लोग हैं, सबके पास यहाँ ये तिजारा वाले बैठे हैं, जयपुर वाले बैठे हैं, दिल्ली की राजधानी के विभिन्न कॉलोनी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बंदो सबके पास मोबाइल है, इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए सबके पास चार्जर है, क्या जीवन रूपी मोबाइल को चार्ज करने के लिए कोई चार्जर है या नहीं? यह जीवन डिस्चार्ज बैटरी होता जा रहा है। माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन, सिर दर्द, डिप्रेशन, ये कौन सी बीमारी हो गई माइग्रेन? यहाँ बहुत वृद्ध लोग बैठे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम था ये माइग्रेन कौन सी बीमारी है, पथरी नहीं सुनी थी, कैंसर, हार्ट अटैक। 50 साल पहले कोई एक तार आ जाता था तो गांव में हड़कंप मच जाता था, आज हार्ट अटैक तो बुखार जैसा हो गया है, कैंसर तो जैसे बुखार आता था पहले। ये हमारी आपकी जीवन शैली का प्रभाव है। ये मंदिर वो मोबाइल तो अगर लाइट चली जाए, इन्वर्टर चला जाए तो चार्ज नहीं होता है। ये हमारे मंदिरों में जो वीतराग प्रभु की मूर्ति 24वीं मूर्ति है, यह चार्जर का काम करती हैं, बिना लाइट इन्वर्टर के भी, और 24 आवर्स चार्ज करो। यह है इन मंदिरों की महिमा। ये मंदिरों में नकारात्मक सोच सकारात्मक बनती है। आज नेगेटिव सोच जिसकी, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई भी इंटरव्यू, ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इंटरव्यू सफल हो पाएंगे? अभी सीए का पेपर समाप्त हुआ, सीए वाले सुबह शाम, आईएएस वाले, क्या होगा, पेपर आ रहे हैं, मेरा आशीर्वाद दो। अरे डरते क्यों, क्योंकि परीक्षा इतना ज़्यादा उसको टेंशन का बना देते हैं। आप सही रहिए, आनंद लीजिए, सफलता लीजिए, लेकिन भय तो ये मंदिर
बहुत बड़े हमारे घरों को स्वर्ग बनाने में या मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। जब लोग धार्मिक आयतनों से जुड़े थे, मंदिर की संस्कृति से जुड़े थे, भारतीय संस्कृति से जुड़े थे, तब इतने डिप्रेशन की बीमारियां हमारे भारत में नहीं थी। हमारे भारत में कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी के नाम लोग नहीं जानते थे। आज बढ़ता हुआ विलासिता का प्रभाव, बढ़ता हुआ अश्लीलता काम कामुकता का प्रभाव कहाँ हमारी युवा पीढ़ी को ले जा रहा है। ये मंदिरों का संबंध स्वर्ग और मोक्ष से नहीं है, इन मंदिरों का संबंध आपकी पारिवारिक शांति से, आपके प्रोफेशनल से, आपके बिजनेस से, और इन मंदिरों का संबंध आपकी शरीर की स्वस्थता से। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मेडिकल साइंस के चैनल से बोलता हूँ, इसी दिल्ली में इंडिया हेरिटेज सेंटर में ऑल इंडिया डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। 1000 MD-MS चिकित्सक थे, पूरे भारत की टीम थी। 1000 की बात बता रहा हूँ आपसे, और उसमें चिकित्सकों के जो विचार थे, अच्छे आचार विचार हों तो बीमारी नहीं होंगी। महावीर जी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, 750 के लगभग चिकित्सक थे। शुरुआत तो तिजारा से हुई थी इसकी, तिजारा वालों को नहीं मालूम होगा, इस पहली साहू अशोक जी टाइम्स ऑफ इंडिया, पहली जब मैंने कॉन्फ्रेंस की साहू अशोक जी से बात की चेयरमैन टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा संती जी डॉक्टर बहुत व्यस्त रहते, कौन आएगा। उन्होंने कहा साहू जी आप एक बार प्रयास करो, और पहली बार तिजारा में ऑल इंडिया जैन डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में 300 से लेके 400 MD-MS जैसे चिकित्सक देखा। तो साहू जी कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, ये तो कोई बात नहीं है। जब हमने सैकड़ों MD-MS धोती दुपट्टा पहन के और चंद प्रभु का जब अभिषेक कर रहे थे, तो मेरा 100 ग्राम खून बढ़ गया। लोगों की धारणा ये है, पढ़े लिखे लोगों में धार्मिक श्रद्धा आस्था नहीं होती। मैं एक से एक प्रोफेशनल के बीच में रहता हूँ, और भारत इसे सबसे बड़ी सैलरी 14 अरब, गूगल का CEO आप सब जानते हैं, 1.25 अरब महीने की सैलरी, 1-1 करोड़ रुपए की महीने की सैलरी तो आजकल सामान्य बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वैज्ञानिकों की बात, और विशेष रूप से आइंस्टीन जो भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उनका कहना था, उनका कहना यह था कि वह जैन धर्म के स्यादवाद अनेकांतवाद से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल जैन धर्म। आपको ज्ञात होगा आज विदेशों में बहुत जैन धर्म पर से जुड़ी है। अकेले अमेरिका में 70 रिसर्च सेंटर हैं जहाँ जैन धर्म पर, हम लोग एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा 200 से अधिक देशों में लगभग 7-8 अरब आबादी वाले इस देश पूरे वर्ल्ड में एक अवार्ड देते हैं $2,500, उसकी कोई महत्व तो नहीं है। जो विदेश में अजैन प्रोफेसर, अजैन लोग जैन धर्म पे काम कर रहे हैं, लंदन विश्वविद्यालय वर्ल्ड का आप सब जानते हैं, और वहाँ जैन धर्म का कोर्स 1 वर्ष का चलता है, डिग्री मिलती है, लंदन विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ आपसे। समय बहुत तेजी से घड़ी का कांटा बढ़ता जा रहा है, तो मंदिर में जाइए और बिना मेडिसिन के होमोग्लोबिन बढ़ाइए। आपके समझ में नहीं आई? आजकल भारत की राजधानी में डॉक्टर कहता है आपका होमोग्लोबिन, आपका HV बहुत घटता जा रहा है। अब हमारे पास तो भैया हम तो मेडिसिन ले नहीं सकते हैं, हम तो परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो सहज में ही होमोग्लोबिन बढ़ता चला जाता है। महावीर जी डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में एक लेडी डॉक्टर कह रही थी, सामान्य ब्लड प्रेशर वाले को हम सलाह देते हैं 1 घंटे वर्धमान महावीर के मंदिर में जाके बैठ जाइए और बिना मेडिसिन के ब्लड प्रेशर संतुलित बनाइए।
बंधु, ये मंदिरों का निर्माण जहाँ नहीं है वहाँ तो आवश्यक है, लेकिन जहाँ मंदिर हो वहाँ निर्माण की आवश्यकता नहीं है। तो यह मंदिर का शिलान्यास निश्चित, जिन जिन लोगों ने योगदान दिया, आप और हम तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी, हमारे बाबा जी ने सोने की ईंट लगाई थी, हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी, हमारी मम्मी ने शिलान्यास किया था, जहाँ ये जिन मंदिर बनते हैं, कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग तनाव मुक्त जीवन जीना सीखते हैं। यह संस्कारों का बहुत बड़ा सेंटर है, स्थान का प्रभाव हुआ करता है। एक बार की घटना बताऊं, अब टाइम तो आपका मैं ले ही रहा हूं। विवेकानंद गए थे विदेश, एक सम्राट के यहाँ पहुंचे, अमेरिका की शायद घटना हो, तो भोजन था, थोड़ा टाइम होगा, तो वो सम्राट कहता है, अरे भारत में गॉड 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 मंदिर टेंपल, ये मूर्ति पूजा क्या रखा है मूर्ति पूजा में। विवेकानंद समझदार थे, आवेश तो बहुत आया अपनी संस्कृति का अपमान होते हुए, लेकिन तरीके से काम लिया। हाँ बहुत अच्छे, ये क्या लगा है, ये मेरे पिताजी का फोटो है। अच्छा, फोटो को नीचे उतारो। राजा साहब बड़े चक्कर में पड़े, लेकिन विवेकानंद बोल रहे, भाई उतारा, जमीन पर रखो। राजा साहब को फिर कहा, पैर रखो। अब तो राजा साहब को गुस्सा आ गया, आप क्या बोल रहे हो, मेरे पिताजी के फोटो पैर? अरे जब एक कागज के फोटो में तेरे को पिताजी दिख रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो ये पाषाण की नाटा की मूर्ति नहीं है, जयपुर की मिस्त्री की मूर्ति नहीं है, यह साक्षात भगवान प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा इसमें वे ऊर्जा शक्ति डाली है, जो इस परिवेश स्थान का प्रभाव हुआ करता है। सुभाष चंद्र बोस का आप फोटो देखिए, लक्ष्मीबाई का फोटो देखिए, देशभक्ति बनेगी आपके अंदर। और आप एक अपने पिता माँ का फोटो देखिए, उनके प्रति सम्मान की भावना बनेगी। एक श्री राम का, महावीर का, आदिनाथ का फोटो देखिए, तो आपके अंदर श्रद्धा आस्था बनेगी। एक फोटो को देख करके आपके अश्लील फोटो देखिए, तो आपकी भावना दूषित बनती है। यह जनालय सामान्य नहीं है, यह शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। मेरा 2015 के आसपास की बात है, 3-4 वर्ष पहले मेरा सोनागिरी चातुर्मास हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों ने वहाँ वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें अमेरिका से, लंदन से और कई देशों के साइंटिस्ट आए, और उसके जो चीफ थे वो इसरो के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार, पद्म विभूषण। ये डॉक्टर शिव कुमार कौन था, जिन्होंने 2007 मंगल ग्रह में इनका यान पहुंचा था और भारत को चौथा स्थान दिलाया, ऐसा डॉक्टर शिव कुमार की बात आपसे कर रहा हूं, इसरो का प्रेसिडेंट, बहुत आप तो सब पढ़े लिखे जानते हैं। वो बेंगलोर मेरा प्रवास था, डॉक्टर राव जो भारत में सारी तकनीकी लाने के डॉक्टर राव, वो हमारे बेंगलोर के पहला साइंट कॉन्फ्रेंस था, उद्घाटन हुआ है, और शिव कुमार जी बड़े प्रभावित हुए। जब ये सोनागिर आना चाहते थे तो आपको ज्ञात है उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत तगड़ा था, तो उन्होंने बिना परमिशन के ही, क्योंकि मुझे चौहान सरकार और कलेक्टर परमिशन देगा, वे अपना निजी बना के आए। ऊपर जब पहुँचे चंद्र प्रभु पर, सोनागिर देखा होगा, मैं उनको गर्भालय में ले गया, और जब वे वहाँ गए, वे दिल्ली जैसे भक्त नहीं थे, तिजारा और जयपुर वाले जैसे भक्त नहीं थे, वे तो बेचारे साइंटिस्ट थे, बंगाल वो कन्नड़ भाषी थे। जब वो मैं चंद्रपुर को ले गया मूल मूर्ति पे, बाहर आया, संत जी मैंने दुनिया में बहुत यश कमाया है, दुनिया में बहुत रिसर्च की है, लेकिन जो वायु विरेशन, जो शांति, जो आनंद की अनुभूति मुझे यहाँ हुई है, वर्ल्ड में मैंने कहीं ये अनुभूति नहीं की। एक इसरो के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ आपसे, जो पहली बारी आया था, एक वहाँ अंतर्राष्ट्रीय 7 देशों के 20 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
की एक संगोष्ठी हुई थी और फ्रांस से एक फादर आए थे। वो अपने वक्तव्य में कह रहे थे, हम जैन धर्म से परिचित थे, सोनागिरी में आने के बाद मालूम पड़ा जैन धर्म इतना महान, इतना व्यापक है, अगर कोई यहाँ एक महीने रह जाए तो सामान्य पेशेंट को मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना दवाइयों के बिना उसके स्वस्थ हो सकता है। तिजारा की महिमा आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़े गांव की महिमा, महावीर जी की महिमा, ये मंदिर, ये धार्मिक चीज़ें कोई सामान्य समझना, ये हमारे जीवन से, हमारी तन की स्वस्थता से, मन की स्वस्थता से संबंध रखते हैं। तो निश्चित द्वारकापुरी वाले बहुत लंबे समय से लगे थे, मैंने बहुत बचने का प्रयास किया, मैं भी करता रहा, लेकिन आप सबकी भावनाएं मुझे यहाँ लाने में माध्यम कारण बनी। मैं देख रहा था गाजियाबाद से जब से चला हूँ सैकड़ों की संख्या में इस 48 तापक्रम में भी मैंने देखा सुबह और सायंकाल बहुत संख्या में, सैकड़ों संख्या में हमारे जिन्हें BIP कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं, मेरे साथ कई कॉलोनी के लोग, कल भी मैंने देखा, बड़ा उत्साह था। यहाँ के बाल गोपाल में जब आहार में भी देखता हूँ, महिलाएं, बहुएं, बेटे, बिटिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा नियम दिलाते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद हिम्मत करता आदमी कि हार देना है। बंदो, निश्चित आप सबका उत्साह प्रशंसनीय है। मैं थोड़ी सी बात और करूं और बातें करना चाहता हूं। आचार्य सांसागर छाणी महाराज इस उत्तर भारत में 400-500 वर्ष में पैदल विहार करने वाले कोई साधु थे तो आचार्य सांसागर छाणी उत्तर वाले थे। दो नाम, दो साधु हुए एक ही नाम की, एक आचार्य सांसागर दक्षिण, आचार्य सांसागर उत्तर छाणी। सांसागर छाणी महाराज की 1914 समाधि होगी, मुनि दीक्षा में केवल 3 वर्ष का अंतर था, चोल्लक दीक्षा में 5 वर्ष का। दक्ष वाले महाराज जब 26-27 में शेखर जी गए, उससे पहले आचार्य सांसागर छाणी महाराज दिगंबर साधु इक्का दुक्का थे और उन्होंने पहली बार कोई दिगंबर साधु शिखर जी के लिए 500 वर्ष में पैदल चलता हुआ पहुंचा। आचार्य सांसागर छाणी महाराज, उनका इतिहास और उनके शिष्य परंपरा तो रही, लेकिन वह विस्मरण होती गई। गुरुदेव आचार्य समस्या जी की प्रेरणा मुझे मिली, हम किस परंपरा के हैं, इतने विद्वान आते तुम्हारे पास। मैंने 1990 में बढ़ाना जिला मुजफ्फर में अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद का एक अधिवेशन था, सैकड़ों विद्वान आए, मैंने बात रखी वही छाणी, तो एक 5 लोगों की टीम बनी और आचार्य सांसागर छाणी स्मारक का गया 1992 में उसका विमोचन हुआ, तिजारा को वह गौरव प्राप्त हुआ। आचार्य सांसागर छाणी जो मेरा चातुर्मास हुआ वहाँ, उसमें सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल आचार्य सांसागर छाणी स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन हुआ और अभी 27 मई 2019 में उनका वह हीरक समाधि महोत्सव का शुभारंभ प्रारंभ हुआ। हमारी युवा पीढ़ी समझे, हमारे आचार्यों ने, हमारे साधु संतों ने कितनी कितनी परिस्थितियाँ झेली और कैसे यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, भेद विज्ञान किस तरह से मोक्ष मार्ग की यह संति चल रही है। तो यह पूरा वर्ष आचार्य सांसागर छाणी हीरक समाधि महोत्सव के नाम से पूरे देश में यह है जिसकी तैयारियां चल रही हैं और भी। और दूसरा मैं थोड़ी सी इतिहास की बात और बता दूं आपको, जैन समाज कार्य क्षेत्र में योगदान रहा है। राजनाथ सिंह की स्पीच अगर आपने वर्कशॉप आदि पर सुनी होगी, 2400 बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ के जन्म कल्याण के दिन बोले थे, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जैन धर्म के अनुसार हुआ और राजपाट का त्याग करके उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली। पूरे विश्व में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट ने जो भारत का गौरव बढ़ाया किसी नहीं बढ़ा पाया था। ये सब आपको मालूम है, इतिहास की बातें, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य था ये बहुत कम लोगों को, युवा पीढ़ी को मालूम है। बंधुओ, चंद्रगिरी गुफा से उन्होंने समाधि पूर्वक मरण करके और सफल बनाया। जैन
धर्म का हर क्षेत्र में यहाँ योगदान रहा है। जब देश परतंत्र था, सरकारी पुस्तक के अनुसार 5000 जैन समाज के लोग जेल गए, अपराध नहीं किया देश की आज़ादी के लिए, लेकिन हमें कोई अपेक्षा नहीं है। तो वह इतिहास, भारत आज़ादी के बाद जैन समाज के 9 मुख्यमंत्री, 5 गवर्नर, 4 राजदूत और 100 से ऊपर संख्या में MP MLA हुए। भारत के संविधान पृष्ठ 63 पृष्ठ पर गॉड महावीर, भगवान महावीर का फोटो भारत के संविधान में होना, ये जैनियों के लिए नहीं, ये देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि महावीर, अहिंसा के अवतार महावीर को भारत के संविधान में स्थान दिया है। इतना ही नहीं, जैन समाज की महिला, जहाँ चीटी मारना पाप है, बिग कमांडर अभिनंदन का नाम सुना होगा, एक बिग कमांडर ने पूरे वर्ल्ड में जैन धर्म का इतिहास, बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का बेटा, और वर्धमान जब पिताजी के पास गए, बेटा पाकिस्तान में था, बेटा आपका फंस गया है, मेरा बेटा सुरक्षित आएगा। जब भी हम पे संकट आते हैं, हम भगवान पार्श्वनाथ का स्तोत्र याद करते हैं, हमारे संकट दूर हो जाते हैं, मुझे विश्वास है मेरा बेटा सुरक्षित लौट के आएगा। और 200 से अधिक देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, 7-8 अरब वाले लोग थे, वे भी विक कमांडर सुरक्षित भारत में आना चाहिए, ये सब आपने मीडिया में सुना देखा होगा। यह है भगवान की भक्ति की बात आप कर रहा हूँ। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, और जब उसका परिचय दिया, सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में गई तो धर्म ग्रंथ गीता को साथ लेके गई, एक साइंटिस्ट की बात आपसे कर रहा हूँ। चींटी को मारना जहाँ पाप है, देश की सुरक्षा के लिए गन मशीन चला करके, और अहिंसा धर्म का परिचय, यह है हमारी जैन समाज की आज़ाद हिंद फौज, लक्ष्मीबाई नाम का डिपार्टमेंट, और उसमें जैन समाज की महिलाओं का सेवा का कार्य, युद्ध का काम, और युद्ध करती थी गन मशीन चला के, अहिंसा धर्म का परिचय देने वाली, ये रही है जैन समाज की महिलाओं का गौरवशाली इतिहास। बंधुओं, राष्ट्रीय गान सबने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय गान में वह रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता जनगण मंगल आपने पढ़ा है, 5 पद्य हैं, दूसरे पद्य में जैन है। मैं रात्रि में भी कुछ जो लोग इंजीनियर्स थे उन्हें बताया भी था, यहाँ के जो लोग थे। इतना ही नहीं, बहुत तरह के प्रसंग बनी सुनाऊंगा, छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया, सारे देश में जो सेवाएं दे रहे हैं, पूरे भारत में 70,000 जैन एडवोकेट सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पूरे भारत में 40,000 जैन CA, पूरे भारत में 40,000 जैन बैंकर्स, पूरे भारत में लाखों इंजीनियर्स जैन, पूरे भारत में लाखों जैन डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं, 500 से ऊपर IAS IPS आदि पदों पे सेवाएं दे रहे हैं, 500 से ऊपर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और 20 हाई कोर्ट जस्टिस अभी वर्तमान में पूरे देश में सेवा दे रहे हैं, यह गौरव की अनुभूति होना चाहिए। और आज़ादी के बाद जैन समाज में हिंदुस्तान चीफ जस्टिस 13 चीफ जस्टिस बन चुके हैं, यह गौरव की अनुभूति आपको होना चाहिए। खैर, वे सब बातें, कुछ मैंने आपके बीच में बातें रखी, और मुझे प्रबुद्ध वर्ग से अपेक्षा है, यहाँ के जो विमल जी अध्यक्ष हैं, वे मैं देख रहा हूँ, उनकी पूरी टीम, नए लोग हैं लेकिन मैं उनका उत्साह देख रहा हूँ, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, मुझे अपेक्षा है जिस उत्साह के साथ मुझे आप लेके आए हैं, जिस उत्साह के साथ लोगों ने, दातारों ने आपका योगदान दिया है, उदारता का परिचय दिया है, ये मंदिर बहुत जल्दी बन कर के और श्री जी हमारे मेन वेदी में पहुँचे, ये मुझे भी आपसे थोड़ी सी अपेक्षा है। कोई हम विवाद नहीं करेंगे, एक हमारा प्रतिष्ठाचार जय निशांत आगम की जितनी चीज़ें हैं उनके अनुसार चलना है, एक मुनि महाराज के मार्गदर्शन में चलना है, और एक वास्तु विज्ञ के उसमें चलें,
और इंजीनियर बार बार आप लोग बदलेंगे, बार बार बातें आएंगी तो दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे जैनशांत भैया हैं, उनका मार्गदर्शन आप लेते रहें और जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो मैं आपके लिए बैठा हूं निश्चित। ये मंदिर जल्दी से जल्दी भव्य मंदिर बन करके यहाँ उत्तम नगर में कल आया, काफ़ी संख्या में उत्तम नगर के लोग मेरे साथ में बिहार में कल सुबह भी थे, परसों भी थे, तो निश्चित यह है। और भी विभिन्न कॉलोनी की मैं नाम नहीं जानता हूँ बहुत लोगों का, और यहाँ जो कीर्ति नगर जयपुर के जो लोग वर्षा योग के लिए कई बार आ चुके हैं, देखते हैं कैसा योग बनता है, जैसा ही बने। और तिजारा चंदा बाबा से तो आप सब परिचित, बताने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ के जो जैनों में तो उत्साह है ही, लेकिन जैनेतर समाज में यहाँ कई सैनी आए, मेरा जो चतुर्मास हुआ तो वे रोज़ ढोलक और हारमोनियम लेके और घंटों तक भजन करते थे, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, ये मुझे ऐसा मालूम है। ये बच्चे जो नई बहू हैं तो शायद उन्हें ये मालूम नहीं होगा, वे सुनते होंगे कि महाराज आए थे, ऐसा था ऐसा था। और दशलक्ष परम में जैनों ने दशलक्ष पर्व तो मनाए, वहाँ की सैनी समाज, पंजाबी समाज, ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़े रामायण वाचक थे और उनकी भी जो भावनाएं थी, तो वहाँ अनेकों जो गार्ड थे, अजैन थे, कोई एकासन कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, दशलक्ष पर्व जैन ने तो मनाए, पूरे के पूरे तिजारा कस्बे में मने थे, ये एक माहौल वातावरण 36 कौम के अंदर था। खैर यहाँ सुरेंद्र मोहन जी के भाई साहब भी बैठे हैं, जब मैं मालपुरा में था तो कोई भी ऐसा चौराहा नहीं था जिस पर और जैन से ज़्यादा जैनित्व लोगों का उत्साह उमंग थी, तो निश्चित ये मंदिर का निर्माण जल्दी आप करेंगे, मुझे लगता है काफ़ी अपने को सहयोग मिल चुका है अर्थ की वजह से तो मंदिर। वैसे एक बात और कोई कल बता रहा था, DDA के कोई सज्जन थे कि अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो सरकार और DDA से रखिए अधिकारी रखिए जो भी उसका चार्ज है, और भी कुछ जगह यहाँ मंदिर के बगल से मिल सकती है अगर लोग प्रयास करें, क्योंकि मंदिर तो बन जाएगा लेकिन जगह मिलना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में तो होता भैया कैसे भी 10 फुट 20 फुट में मंदिर बन जाए, ठाई दस हो जाए, समाज बहुत छोटा रहता है, कमज़ोर लोग रहते हैं, जब संपन्नता बढ़ती है तो जगह मिल पाती है। अगर और भी इससे ज़्यादा जगह मिल जाए तो कमेटी के लोग द्वारकापुरी वाले, क्योंकि द्वारकापुरी अपने आप में ऐतिहासिक नाम है और हम भी इसे अहिंसा की द्वारकापुरी, शांति की द्वारकापुरी, तनाव मुक्ति की द्वारकापुरी, सकारात्मक सोच की द्वारकापुरी बना करके देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। और देखिए गुरुवर ने जो बात कही है, मंदिर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा औषधालय है, कहें ब्यूटी पार्लर कहें तो जो भी कहें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उत्तम नगर के लिए निवेदन आप कर लेंगे, हमारे बीच में IRS से प्रवीण जैन साहब आए हैं जो कंज्यूमर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं। शांति की द्वारकापुरी, तनाव मुक्ति की द्वारकापुरी, सकारात्मक सोच की द्वारकापुरी बना करके देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। और देखिए गुरुवर ने जो बात कही है, मंदिर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा औषधालय है, कहें ब्यूटी पार्लर कहें तो जो भी कहें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उत्तम नगर के लिए निवेदन आप कर लेंगे, हमारे बीच में IRS से प्रवीण जैन साहब आए हैं जो कंज्यूमर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं। मैं भी इस मंदिर निर्माण में बहुत बड़े सहयोगी हैं और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं, जिन्होंने महानुभाव ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है यहाँ अनुमोदन करने का। हमारे बीच में श्री अचिंत जी हैं, श्रीफल और आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य महाश्री का। नवनीत भाई, नवनीत जैन कोषाध्यक्ष, लिस्ट बहुत शीघ्रता से मंच पर पहुंचा दे। नवनीत भाई कोषाध्यक्ष, बहुत शीघ्रता के साथ जो 5 लिस्टें आपको काउंटर से मिली हैं, बहुत जल्दी से मंच पर पहुंचाएं, बहुत जल्दी से। नवनीत जैन
और अभी भाई संयम जी उनका सम्मान करेंगे। महाशय अचिंत जैन ट्यूमर हुआ था, ट्यूमर के बाद ये जुड़े आशीर्वाद कर रहे हैं। नवनीत जैन कोषाध्यक्ष बहुत शीघ्रता से भाग कर आ जाए। और इतने आचार्य श्री का मंगल उपदेश यहाँ पर हो रहा था, हमारे पास कुछ और नाम यहाँ पर पधारे हैं, उनसे निवेदन की कृपया मंच पर आ जाए और पूज्य गुरुदेव श्री के हाथों से जो रजत ईट का सौभाग्य आपने प्राप्त किया है रखने का, श्रीमान दिनेश जी जैन 11111 की राशि के साथ, श्रीमान दिनेश जी जैन, श्रीमान एस पी जैन 11111 रुपए, बहुत शीघ्रता से मंच पर आ जाए। श्रीमान एस के जैन सेक्टर 12 11111, श्रीमान यू सी जैन पुष्टि पहुंचेंगे वहां पर स्थान पर, अभी वहीं पहुंचेंगे मंदिर के पास, वहां शिलान सोना जहां पर शिला लेकर चलेंगे अपन। अब बैठ जाओ भी आप। श्रीमान यू सी जैन सेक्टर 6 11111 मंच पर आ जाएं और निशांत भैया के कर कमलों से ये शिला प्राप्त करेंगे। श्रीमान कृष्ण कुमार जैन मयंक जैन सेक्टर 12 11111 रुपए। मध्य वेदी शक्तिकम
लोग इस तरफ ही आ जाओ, बहुत रिस्की है, जरा सबके लिए रिस्की है, उधर से हट जाओ। बात नहीं अंकल, अभी रुको, पहली तीन शिला 2,22,000 रुपए वाली। Thank you.
आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।